नमस्कार, मैं आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे झांसी की, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया। आगे चर्चा करेंगे झारखंड की, जहां सेक्रेटरी पद के लिए बैलेट पेपर से हुआ चुनाव। साथ ही चर्चा करेंगे प्रयागराज की, जहाँ अनियंत्रित डंपर पलटने से डंपर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। इन तमाम खबरें करेंगे विस्तार से चर्चा। झांसी के गुड़सराय कस्बे में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने खेतों में काम कर रही सैकड़ों महिलाओं को सरकारी योजनाओं और सुरक्षा हेल्पलाइन की जानकारी दी। उपनिरीक्षक शिवानी तवर ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया और 1091 जैसे हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग के बारे में बताया। समाज सेवी शीतल शर्मा ने साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की सलाह दी। जागरूकता अभियान से महिलाओं के चेहरे पर संतोष की झलक दिखी। इस अभियान से महिलाएं जागरूक होकर अपनी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति अधिक सजग हुईं। झांसी से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी मेदिनी नगर पलामू के द्वारा लीसलीगंज थाना स्तर पर सदर एवं सेक्रेटरी का चुनाव बैलेट पेपर से वोटिंग के द्वारा कराया गया। जिले से पर्यवेक्षक के रूप में जिला स्तर मुस्तफ़ा कमाल, मुहर्रम कमेटी के जनरल जीशान खान, इसराइल राजा, हाजी शमीम, इकबाल कुरैशी, लाडले खान, कलाम खान शामिल हुए। मतदान प्रक्रिया में कुल 1215 लोगों ने मत का प्रयोग किया, जिसमें सदर पद के उम्मीदवार फिरोज अंसारी को 773 मत एवं दूसरे उम्मीदवार शमशाद खान को 442 मत प्राप्त हुए, जिसमें फिरोज अंसारी 273 मत से विजय हुए। वहीं सेक्रेटरी पद के लिए मुन्ना खान को 630 मत मिले एवं दूसरे उम्मीदवार मयूर अंसारी को 585 मत मिले, जिसमें मुन्ना खान 45 मत से विजय हुए। झारखंड से सीनियर संवाददाता अवध की रिपोर्ट। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी मेदिनी नगर पलामू के लेसलीगंज थाना स्तर पर सदर और सेक्रेटरी पद के लिए बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। जिला सदर मुस्तफ़ा कमाल और अन्य पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में कुल 1215 मतदाताओं ने मतदान किया। सदर पद के लिए फिरोज अंसारी 773 मतों से विजयी रहे, जबकि शमशाद खान को 442 मत मिले। सेक्रेटरी पद पर मुन्ना खान 45 मतों से विजयी हुए। नवनिर्वाचित सदर और सेक्रेटरी ने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए इसे सच्चाई की जीत बताया। चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति रही, जिन्होंने अपने नए प्रतिनिधियों का समर्थन किया। अपने समर्थकों को पूरे लेसलीगंज थाना के अंतर्गत जितने भी पंचायत आते हैं, गांव आते हैं, सभी को तहे दिल से शुक्रिया जो हमको चुनाव में वोट किए और चुनाव जिताए। और उसके बाद जो भी कमी बेसी हम लोगों का आपसी रहा है, उसके लिए फिर हम लोग बैठ करके उस पर निर्णय करेंगे। कमी बेसी जो भी होगा सब पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम मिलत इस्लामिया कमेटी के आप सदर है, आप लोग के देख रेख में इस चुनाव संपन्न हुआ है, क्या कहेंगे? मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगा अपने प्रखंड वासियों को, उनके प्रखंड नहीं बल्कि पूरे थाना स्तर के चुनाव हुआ था, इसलिए मैं थाना स्तर के लिए सबको बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से हम लोग दोनों को कमेटी के माध्यम से जो हम लोग खड़ा किए थे, सबको लोगों ने पसंद किया और अच्छे मतों से जिताया, इसलिए सबों को धन्यवाद देता हूँ। जिला कमेटी का भी धन्यवाद, और जिला कमेटी जिस तरह से चुनाव करवाए उन लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ। और ये जीत जो है हम लोगों की सच्चाई की जीत है। हम चुनाव जीतने के बाद यही कहना चाहते हैं कि जितने भी 20 पंचायत के अंतर्गत जिनने हमें चुनने का काम किया है और जो हमारे विरोधी भी रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग का प्यार मोहब्बत से जो लेसलीगंज आज तक अमन चैन की ज़िंदगी जिया जा रहा है, उस तरह से भी आगे हम जीने की कोशिश करेंगे और जो भी कमी पेशी होगा उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। एक साथ मिल के और समाज को आगे बढ़ाने का। आपके साथ अभी समर्थक हैं और पूरा जश्न में हैं आप? जी, क्या कहेंगे उनको? यही कहेंगे खुशी मनाना अच्छा बात है, मगर कहीं ऐसा ना करें कि मतलब किसी को तकलीफ हो, उसके मतलब ध्यान रखते हुए और किसी भी कामों करें। झारखंड से सीनियर संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। प्रकाशराम ग्रामीण प्रतिभा खोज फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 के मुकाबले चंदवा के खेल स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। दशहरा के बाद सोमवार को प्रकाशराम ने लातेहार विधानसभा अंतर्गत चंदवा और लातेहार प्रखंड कुल टीमों के बीच फुटबॉल और जर्सी का वितरण किया। इस दौरान पूर्व विधायक प्रकाशराम ने कहा, फुटबॉल खेलने का मेरा एकमात्र उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करना है। फुटबॉल खेल के माध्यम से आज आपसी सद्भावना बढ़ता है। बता दें कि युवा आगे आएं और अपने बेहतर भविष्य के लिए अपने सच्चे और अच्छे जनप्रतिनिधि का साथ दें।
इस विधानसभा स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 301 टीमों ने भाग लिया। सभी का मैच दो फुटबॉल ग्राउंड बालूमात और चंदवा के खेल स्टेडियम में हो रहा है। मंच संचालन इरशाद मुन्ना कर रहे थे। वहीं सफल टूर्नामेंट का आयोजन में सुमित उराव, कमलेश उराव, संदीप लोहरा, राजकुमार उराव, संदीप कुमार आदि लोग तन्मयता से जुड़े हुए हैं। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां करछना थाना क्षेत्र के करछना कोहडार मार्ग पर कुशगढ़ गांव के सामने अनियंत्रित डंफर पलटने से डंफर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे करछना प्रभारी कृष्ण मोहन सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बड़नगर के कृषि उपज मंडी में तुलावटी ने तोल दाम बढ़ाने को लेकर हड़ताल की। हम तुलावटीगढ़ कृषि उपज मंडी समिति बड़नगर में तुलावटी के पद पर कार्यरत हैं तथा कई समय से तुलावटी की दर को बढ़ाया नहीं गया है। इसका हमारे द्वारा तुलावटी की दर बढ़ाए जाने के संबंध में पूर्व में 12 जून को आवेदन पत्र दिया गया था, परंतु उक्त आवेदन पर से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी कारण हम तुलावटीगढ़ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी मंडी प्रशासन की रहेगी। उपज मंडी बड़नगर अध्यक्ष तुलावटी एसोसिएशन के अध्यक्ष नेहरू सिंह चौहान 10/10/2024 से मंडी में हड़ताल रखी है, और हमने मंडी का हड़ताल रखने का कारण है हमारी मंडी की जो तुलाई दर है वो बढ़ाई नहीं जा रही है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक मंडी में हड़ताल रहेगी और तुलाई बंद रहेगी, और आगामी जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी जब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। उज्जैन से सीनियर संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। चतरा पुलिस ने टीपीसी नक्सली हरेंद्र गंजू और उसके दस्ता के एक सदस्य को मार गिराया है। हरेंद्र गंजू ने पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया था, इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। हरेंद्र गंजू ने इसी साल 7 फरवरी को इसी जंगल में अफीम की खेती को नष्ट कर लौट रहे पुलिस जवानों पर गोली चलाई थी, जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे, वहीं एक घायल हुआ था, जिसे लेकर पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों में काफ़ी रोष था। आज पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों में खुशी देखी गई। हरेंद्र गंजू के एनकाउंटर में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों को शॉल व बुके देकर सम्मानित किया गया। लोगों ने बताया कि आज हमारे शहीद साथियों का बदला पूरा हो गया है। अच्छा हुआ, आज से 2-3 दिन पहले जो पेपर देखे जो उग्रवादी है जो हरेंद्र गंजू जो का नाम मारा गया, छपरा के लिए बहुत राहत हुई, और हमारे पुलिस अध्यक्ष महोदय जी और हमारे थाना प्रभारी जो गुरुदेव साहब हुए ये सब का सहयोग दान रहा, जो कि चतरा में अभी शांतिपूर्ण है, और लोग माते बहने लोग आने जाने वाले को जो दिक्कत होती थी वो अब दिक्कत नहीं है। अब इलेक्शन का दिन जो दिन आ रहा है अब उसमें जड़ी देखा जाए कि जड़ी बढ़िया से लोगों को जड़ी देख रेख हो, कोई तरह का जनता का दिक्कत नहीं हो, इसीलिए मैं तय कह के मैं 24वें पोस्ता अभियान के दौरान चतरा जिला बल के जो हमारे 2 भाई शहीद हुए थे, इसमें हरेंद्र गंजू का नाम सामने आया था, इसमें हमारे 2 भाई शहीद हुए थे, ये हमारे विभाग के लिए क्षति थी। साहब के निर्देशन बड़े पदाधिकारी के जो मार्गदर्शन था उसके आलोक में हम लोगों ने 8 महीना के अंदर हरेंद्र गंजू को जिस जगह पे हुआ था उस जगह उसको हम लोगों ने काउंटर किया, जो हमारे पुलिस एवं जवानों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखने में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसे इस काउंटर से हमारे पुलिस के जवानों का मनोबल बढ़ा है, और जो भी उग्रवादी इस तरह की घटनाएं करते हैं उसको एक तरह से सीख मिली है कि ये पुलिस आप पुलिस को आप क्षति पहुंचाइएगा तो पुलिस भी आपको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएगी। प्रेस मीडिया के तरफ से सर को एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस घटना में जो भी शामिल जवान हैं, चाहे फरवरी के महीना का हो चाहे इस मुठभेड़ में जो शामिल जवान है, उसको इस मीडिया की तरफ से मैं साहब से एक निवेदन करता हूं कि इसको मनोबल बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय में एक रिवार्ड या गैलेंट्री के लिए अनुशासित करें, अनुशंसा करें, ताकि गैलेंट्री मिल सके, जिससे हमारे मनोबल पुलिस के जवान के मनोबल को और ऊंचा बनाए रखें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना में और बढ़ चढ़ के सफलता हासिल करें। इसको हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप कुमार, सदर थाना प्रभारी
मिथुन कुमार, सिमरिया थाना प्रभारी मानव मयंक कुमार इधर, और थाना प्रभारी वशिष्ठ नगर, थाना प्रभारी पत्थर अड्डा के संयुक्त अभियान छापामारी के दरमियान काउंटर किया गया था। काउंटर होने के पश्चात दो टीएसपीसी उग्रवादी की मारे जाने की खबर, एक हरिंदर गंजू और दूसरा ईश्वरी गंजू की मारे जाने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई। इसके आलोक में पूर्व में 8वां फूट इन्हीं लोग के द्वारा हमारे पुलिस दो जवान को मारकर शहीद किया गया था और एक पुलिस जवान को घायल किया गया था, जो वर्तमान में एम्स से इलाज कराकर वापस लौटे हैं। उसी का हम लोग बदला ही कहा जाए, उसको बदला लिया गया है, जिसमें हम लोग को अच्छी चतरा जिला के लिए अच्छी खुशखबरी रहा। इस आलोक में हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय और जो साथ टीम में था उनको सम्मानित करता हूं। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल के पास 10 अक्टूबर को हमलावरों द्वारा संदीप यादव के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जिसकी पुलिस ने गहनता से जांच कर घटना का अनावरण कर दो अभियुक्तगढ़ पवन चौबे व टिंकू यादव उर्फ संत दयाल यादव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं स्वाट सर्विलांस तथा कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने पोहारी बाबा आश्रम के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 32 बोर पिस्टल व 3 मोबाइल फोन बरामद कर सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया है। तो आइए सुनाते हैं सीओसीटी सुधाकर पांडे ने क्या कुछ कहा। कोतवाली गाजीपुर में एक आदर्श बाजार में फायरिंग की सूचना मिली, जिसपे थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर जब पहुंची तो ये घटना सत्य पाई गई। वहां पे एक मजदूर संदीप यादव जिसके पैर में गोली लगी थी, उसको देखा गया और उसको अस्पताल वास्ते इलाज के लिए भेजा गया। जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा 3 व्यक्तियों के नाम बताए गए, टिंकू यादव, पवन चौबे और ध्रुव यादव का। उनकी इस सूचना पर FIR लिखी गई और घटना उसकी मेडिकल कराया गया, उसके इलाज कराने के उपरांत घटना की जब जानकारी गई तो घटना सत्य पाई गई। इस दौरान विवेचना के दौरान दो लोगों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पवन चौबे और टिंकू यादव को 32 mm की पिस्टल के साथ पोहारी बाबा के आश्रम पर 13 तारीख को रात में 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया। सर, प्रथम दृष्टया क्या मामला था, क्यों गोली चली? इनमें आपसी विवाद पहले से चल रहा था, ये आदर्श बाजार में संदीप यादव और एक ऋषु नाम के व्यक्ति के साथ ये लोग बैठे हुए थे। तब तक ये लोग मौके पर पहुंच गए। इसी में इनमें आपस में बहस हो गई और बहस के दौरान ही टिंकू यादव जो पिस्टल लेके आया था उसको लेके गोली मार दी गई। मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ बरामद भी किया गया? पिस्टल बरामद हुई है जो 3200 mm की पिस्टल है जो घटना में प्रयुक्त हुई थी। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां कृषि विभाग द्वारा आम लोगों में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए जनपद स्तरीय एक दिवसीय मिलेट्स महोत्सव एवं रोड शो कार्यक्रम का आयोजन DM आरिका अखोरी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। तो वहीं DM ने बाइक सवार कर्मचारी एवं पैदल कृषक तथा महिलाओं द्वारा जागरूकता लाने हेतु सभी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।